YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का और बात करते हैं बहराइच की। बहराइच में एक झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज के नाम पर एक युवक की जान ले ली। मामला थाना रुपईहीड़ा का इलाके का है, जहां उल्टे से पीड़ित 31 वर्षीय युवक को झोलाछाप डॉक्टर ने नशे की हालत में ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो दोबारा उठ तक ना पाया। मृतक के परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत तो दे दी, लेकिन क्षेत्रीय पुलिस पूरे मामले में दीपापूति करती नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम तो करवा लिया है, लेकिन किसी भी तरह की तहरीर मिलने से इनकार कर रही है। तो आपको बता दें, झोलाछाप डॉक्टर की हरकत सामने आई है, जिसके चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जी हां, 31 वर्षीय युवक, जब उसे उल्टियां लग जाती है उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर उसे ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि वो कभी उठ नहीं पाता है। और परिजन आरोप लगा रहे हैं और शिकायत भी उन्होंने पुलिस को दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पुलिस है वो लीपापोती करते इस मामले में नजर आ रही है। और पुलिस का ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई तहरीर उन तक नहीं पहुंची है और साथ ही पुलिस पर लीपापोती के आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें, डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और वहीं पुलिस ये कह रही है कि उनके पास इस मामले को लेकर कोई तहरीर नहीं आई है, हालांकि पोस्टमार्टम शव का कर दिया गया है। तो एक युवक जो अपने स्वास्थ्य को लेकर एक झोला छाप डॉक्टर के पास जाता है,